Hello students, in previous topic we have discussed about the users and uses of accounting. Today we will understand the concept of limitations of accounting. Limitations का क्या मतलब है कि accounts में कुछ shortcomings भी हो सकती हैं, but इसका ये मतलब नहीं है कि accounts useful नहीं है. अकाउंटिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है बिकॉज़ ये हमें टाइम टू टाइम बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी और साउंडनेस यानी बैलेंस शीट की पोजीशन क्या है उसके बारे में नॉलेज देती है, चाहे वो इंटरनल यूज़र्स हों या फिर एक्सटर्नल यूज़र्स हों. तो बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग से मिलती हैं, बट फिर भी अकाउंटिंग में कुछ लिमिटेशंस, कुछ कमियाँ रह जाती हैं जिसको हमें ध्यान में रखते हुए ही अपने अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं. तो वो लिमिटेशंस क्या है इसके बारे में 7 पॉइंट्स हम पहले पढ़ते हैं. नंबर 1, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट. अकाउंटिंग एक साइंस है. साइंस में जो भी रिजल्ट्स होते हैं हमेशा सेम रहते हैं. अकाउंटिंग में भी जो हम रूल्स बनाते हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको एक्सेप्ट हर कोई करता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अकाउंटेंट्स जो होते हैं, जो अकाउंट्स बनाते हैं, उनकी पर्सनल जजमेंट, उनकी पर्सनल ओपिनियन का इफ़ेक्ट या इन्फ्लुएंस हमारे अकाउंट्स पर पड़ता है. इसलिए जो हमारे अकाउंट्स बनते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एट्सेट्रा, ज़रूरी नहीं है वो बिल्कुल एक्यूरेट हों, क्योंकि एक अकाउंटेंट हो सकता है कि किसी एसेट की यूज़फुल लाइफ निकाल रहा है. मान लीजिए कोई मशीन है, उसके अकॉर्डिंगली 7 ईयर्स है और दूसरे अकाउंटेंट के अकॉर्डिंगली 8 ईयर्स है. ऐसी ही एक अकाउंटेंट डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड लेता है और दूसरा डिमिनिशिंग. ये मेथड बच्चों आगे आपके प्रैक्टिकल चैप्टर्स में भी आएंगे. तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं. ऐसी क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूड करने के कई मेथड हैं, गुडविल निकालने के कई फॉर्मूले या मेथड हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि जो एक अकाउंटेंट ले रहा है वही दूसरा अकाउंटेंट भी वही मेथड अडॉप्ट करे. तो इसलिए रिजल्ट्स में वेरिएशंस आ सकती है और ज़रूरी नहीं है जो हमारा प्रॉफिट या लॉस निकले वो एकदम फेयर हो या एकदम एक्यूरेट हो. तो अकाउंटेंट की ओपिनियन का इन्फ्लुएंस पड़ता है हमारे अकाउंट्स पर. सेकेंड लिमिटेशन है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस. कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पे भी चैप्टर आएगा, चैप्टर 3. इसके अंदर कुछ मेथड, कुछ प्रिंसिपल्स बने हुए हैं जिनको हर किसी को फॉलो करना होता है. द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजिशन डिस्क्लोज बाय इट मे नॉट बी रियलिस्टिक. पर इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस है, ज़रूरी नहीं है कि सब एक जैसे तरीके से ही इसको फॉलो करें. हर एक का अपना अपना मेथड हो सकता है, इसलिए हमारे अकाउंट्स रियलिस्टिक नहीं रहते. फॉर एग्जांपल, हम अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड पर जितनी भी फिक्स एसेट्स हैं उनको दिखाते हैं, जैसे प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर. तो उनको हम दिखाते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट एक बना हुआ है उस पर दिखाते हैं. हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब कितने पर पास्ट में हमने उस एसेट को परचेज़ या अक्वायर किया था. मान लीजिए हमने कोई मशीनरी 1 लाख में ख़रीदी, तो हमने मशीनरी दिखाई है 1 लाख, लेकिन हो सकता है आज 1 साल बाद मार्केट में उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई हो, ठीक है, 75,000 ही रह गई, पर हमारी बुक्स में वो 1 लाख ही शो हो रही है. तो यहाँ पर ये लिमिटेशन लग जाती है कि हमें इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना ही करना है, तो रिजल्ट सेम नहीं रहते. थर्ड लिमिटेशन है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन. कई बार अकाउंट्स में जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो इनकम्प्लीट होती हैं. ज़रूरी नहीं है कि जो हम एवरी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बना रहे हैं वो प्रॉफिट सही हो. एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ ये तो तभी हमें पता चलेगा जब बिजनेस क्लोज होगा. फोर्थ पॉइंट है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशंस. अकाउंट्स में हम क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन तो रिकॉर्ड करते हैं. क्वांटिटेटिव का मतलब जो नंबर्स में, मनी की टर्म्स में, फाइनेंशियल करेक्टर की जो होती हैं उनको तो हम लिखते हैं, बट जो नॉन फाइनेंशियल, नॉन मॉनिटरी एस्पेक्ट्स हैं उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, उनको ऑमिट कर दिया जाता है बुक्स में से, तो भी हमारे रिजल्ट जो है वो सही नहीं होते हैं. कई नॉन मॉनिटरी एस्पेक्ट्स जो हैं वो छोड़ दिए जाते हैं, जैसे हमारे मैनेजमेंट का चेंज होना, बिजनेस की क्या रेपुटेशन है, लेबर मैनेजमेंट के रिलेशंस आपस में कैसे हैं,
फर्म कितने न्यू प्रोडक्ट डेवलप करने में एबल है, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, ये कई एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिसको रुपीज़ में, नंबर्स में एक्सप्रेस करके नहीं लिखा जा सकता, बट ये भी हमारे बिज़नेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं पर अकाउंट्स में नहीं लिए जाते हैं। तो एक तरीके से हमारी जो इन्फॉर्मेशन शो हो रही है वो इनकम्प्लीट है। फिफ्थ पॉइंट है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। अभी हमने पहले भी ऊपर ये एग्जांपल में किया था कि अकाउंट्स जो बनाए जाते हैं उसके पीछे एक प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, यानी जितने पे एक एसेट खरीदी है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट या परचेज प्राइस को दिखाया जाता है। जबकि प्राइस लेवल में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, कभी प्राइस अप भी हो सकते हैं, कभी प्राइस डाउन भी हो सकते हैं। तो कई केसेस में हमने जो बैलेंस शीट में एसेट दिखाई है वो अंडर वैल्यूड होती है या ओवर वैल्यूड भी हो सकती है। स्पेशली लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें तो हमने मान लीजिए कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज़ की है 50 लाख में, लेकिन आपको पता है प्रॉपर्टी के प्राइस जनरली बढ़ते ही हैं, तो हो सकता है मार्केट वैल्यू 50 लाख से कहीं ज़्यादा हो, तो ये एस्पेक्ट छोड़ दिया जाता है। तो इसीलिए ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन पता नहीं चलती बिज़नेस की। सिक्स पॉइंट है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है? विंडो ड्रेसिंग का मतलब ट्रू पिक्चर को छुपाना, हाइड करना या मैनिपुलेशन करना अकाउंट्स में, है कुछ और दिखाया जा रहा है कुछ और। तो कई बार अकाउंटेंट्स जो होते हैं अकाउंट्स में मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कोई अपनी पोजीशन को अच्छा दिखाना चाहता है, कोई अच्छा नहीं दिखाना चाहता, ठीक है। तो हो सकता है कि कई बार अकाउंट्स में कुछ चीज़ें छुपाई जाती हों, जैसे मान लीजिए हमने अकाउंटिंग पीरियड के एंड में मार्च में 31 मार्च को बहुत सारा माल गुड्स उधार परचेज किया अपने क्रेडिटर से। अगर हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती हैं तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, क्रेडिटर्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, जो कि ये शो करेगा कि पोजीशन अच्छी नहीं है, हमने बहुत सारा पैसा क्रेडिटर्स को पे करना है। तो हो सकता है कोई अकाउंटेंट इस ईयर एंड वाली ट्रांजेक्शन को दिखाए ही ना, तो उसकी लायबिलिटी भी नहीं बढ़ेगी और पोजीशन अच्छी नज़र आएगी। तो कई बार जब कंपनी को बिज़नेस को लोन लेना होता है बैंक से तो वो अपनी अच्छी पोजीशन शो करते हैं। इसी तरीके से क्लोजिंग स्टॉक को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ओवर वैल्यूड करके दिखाया जाता है, ये दिखाने के लिए कि हमारी एसेट बहुत ज़्यादा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। सेवन लास्ट पॉइंट है लिमिटेशन का, अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन करना, भविष्य को जानना क्या होगा कैसे होगा। हमारे जो अकाउंट्स होते हैं वो पास्ट रिकॉर्ड पर बेस्ड होते हैं, इसमें हमने परचेज दिखाई, सेल दिखाई, जो हो गई है, जो अभी होनी है, जो एक्सपेक्टेड है, वो इसमें हम अभी नहीं दिखा सकते। तो जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जो कुछ भी अकाउंट्स में शो किया जाता है, वो सब पास के बेस पर होता है। तो पास की चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी सेम एज इट इज़ एप्लीकेबल हों, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेंजेस आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा, दिस इज़ अवर लास्ट टॉपिक, क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इनको हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट है रिलायबिलिटी। हमारे अकाउंट्स कैसे होने चाहिए? रिलायबल होने चाहिए, जिस पे हर कोई भरोसा कर सके, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज़, इंटरनल एक्सटर्नल यूज़र्स इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन उनको नहीं दी जानी चाहिए। जो भी हम उनको बता रहे हैं वो फैक्चुअल एंड वेरीफिएबल होना चाहिए, यानी फैक्ट्स पर बेस्ड होना चाहिए। अगर हम दिखा रहे हैं कि हमारी सेल 1 लाख है तो उसके पीछे ज़रूर कोई एविडेंस, वाउचर्स होने चाहिए। ये जो एविडेंसेस होते हैं, ऑथेंटिक प्रूफ होते हैं, जिसको कोर्ट में भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं जब भी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो इन सबको हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, जिनके बेस पर हम सबसे पहली बार ट्रांजेक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं ये क्या क्या है, ये एग्जांपल आपको अच्छे से लर्न करने हैं। जैसे कैश मीमोज, जब हम किसी को कैश पे करते हैं तो हमें जो रिसीविंग मिलती है, रिसीट मिलती है, उसको हम कैश मीमो बोलते हैं, जो कि इस बात का प्रूफ है कि हमने पैसा देकर कोई चीज़ खरीदी है। ऐसे ही परचेजेस इनवॉइसेस, इनवॉइस बिल को बोलते हैं, जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ऐसी सेल करेंगे तो सेल इनवॉइस होगा, कस्टमर को देना होगा। कॉरेस्पॉन्डेंसेज यानी बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी लेटर्स हैं, एग्रीमेंट है कोई, प्रॉपर्टी डीड या कोई भी डॉक्यूमेंट्स, तो इन्हीं के बेस पर हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं और ये ट्रूथफुलनेस को भी इंडिकेट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है रेलेवेंस।
अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डिपिक्टेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज. जो ज़रूरी इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मैटर है वही हमने दूसरी पार्टीज़ को बताने हैं. अननेसेसरी एंड इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. वो बातें जिनको बताने का दूसरों के डिसीजन पर कोई अफेक्ट ही नहीं होता हो तो वो नहीं बतानी है. सपोज़ हमने छोटा सा कोई टाइपराइटर खरीदा, छोटा सा कोई कैलकुलेटर खरीदा, तो ये बात हर किसी को बताने की नीड नहीं है. इससे दूसरों के डिसीज़न अफेक्टेड नहीं होते. लेकिन कई इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनसे दूसरों के डिसीजंस अफेक्टेड होते हों तो वो हमने उनसे हाइड नहीं करनी. सपोज़ हमने प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट में से कितना कितना पार्ट शेयर होल्डर्स को दिया, जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं, तो क्या रेट था डिविडेंड का, वो हमने शेयर होल्डर को बताना है, उनसे छुपाना नहीं है. क्योंकि इसी डिविडेंड के रेट को देखते हुए वो हमारे बिजनेस में और मनी इन्वेस्ट करेंगे. तो ये बात जानना उनके लिए रेलेवेंट है. तो रेलेवेंट या जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो हमने उनको बतानी है. थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंडेबिलिटी. अकाउंट्स इस तरीके से प्रेजेंट किए जाने चाहिए कि जिसको ना भी अकाउंट्स की नॉलेज हो वो भी इनको देखकर कुछ मीनिंग अंडरस्टैंड कर सके. हर कोई अपने अपने एंगल से इनसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन निकालता है, जैसे एम्प्लॉई, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, बैंकर्स, इन्वेस्टर्स. तो ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन को अकाउंट्स की जो टर्मिनोलॉजी है, जो इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स हैं, हमने पढ़ा भी था, ज़रूरी नहीं है हर किसी को उसकी नॉलेज हो. तो अकाउंट्स इस तरीके से प्रेजेंट हमको करने हैं कि इसको हर कोई अंडरस्टैंड कर सके. नीचे हमने बैलेंस शीट के बाहर एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी देने हैं कि सपोज़ हमने मशीनरी वगैरह पर डेप्रिसिएशन लगाया है तो कौन सा मेथड लगाया है, ऐसे ही इन्वेंट्री या स्टॉक को वैल्यूड किया है तो कौन से मेथड से, ठीक है. रिजर्व्स अगर हमने प्रॉफिट में से बचा के रिज़र्व में जोड़ा है तो कितना अमाउंट है, कौन कौन से रिजर्व्स बनाए हैं, ये सारी ज़रूरी बातें हैं जो हमें डिस्क्लोज़ करनी होती है. एक्सप्लेनेटरी नोट्स इसके लिए देने बहुत ज़रूरी हैं ताकि हर कोई इसको अंडरस्टैंड कर सके. फोर्थ पॉइंट है कंपेयरेबिलिटी. हमारे अकाउंट्स ऐसे होने चाहिए कि हम अपने करंट ईयर का जो ईयर चल रहा है उसका प्रीवियस ईयर्स यानी पास्ट ईयर्स के साथ कंपैरिजन भी कर सकें और ट्रेंड का पता लगा सकें. सपोज़ पिछले सालों में प्रॉफिट 1 लाख थे, उसके बाद 1,50,000 हो गए हैं, लेकिन इस साल में आते आते 3 लाख हो गए हैं, तो ये हमारी ग्रोथ को इंडिकेट करेगा, ठीक है. तो प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करना ईजी हो जाता है. ऐसे ही हम अपने अकाउंट्स का सिमिलर नेचर की अदर कंपनीज़ के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं. सपोज़ हम भी क्लोथ मर्चेंट हैं और एक और कंपनी भी क्लोथ मर्चेंट है, तो उसने जो अकाउंट्स मेंटेन किए, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, और हमने जो बनाए, तो हम आपस में भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि उसके प्रॉफिट ज़्यादा हैं या हमारे. तो अगर हमारे प्रॉफिट मान लीजिए कम है तो हम अपने वीक पॉइंट्स ढूंढेंगे, कॉजेज का पता लगा के उसकी करेक्शन करेंगे, ठीक है. तो हमें मालूम होना चाहिए क्या हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए प्रॉफिट लाएंगे, क्या हमारे लिए वीक पॉइंट्स हैं. एंड लास्ट, फेथफुल प्रेजेंटेशन. जो भी अकाउंट्स में शो किया जाता है, जर्नल, लेजर, बैलेंस शीट, वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर पिक्चर होनी चाहिए, जो हमें प्रॉफिट की एकदम एक्यूरेट जानकारी दे, फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल के बारे में बताएं, और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनती है, कितना कैश का इनफ्लो यानी कैश कितना आया कितना गया. तो ये सब जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इनके ऊपर बने हुए हैं जो हम आगे के चैप्टर में सीखेंगे. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड होने चाहिए ताकि सब का एक यूनिफॉर्म मेथड हो और ट्रू और फेयर पिक्चर प्रेजेंट हो सके. एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है रोल ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग का क्या रोल है, इसमें 6 पॉइंट्स हैं. फर्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ अ लैंग्वेज. जैसे हम आपस में बात करते हैं तो कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जो भी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं आपस में. ऐसे ही बिजनेस अपने आप से नहीं बोलता, किताबें, बुक्स, अकाउंट्स अपने आप से नहीं बोलती, उनकी एक लैंग्वेज होती है. तो अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज का काम करता है. बिजनेस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट कितना, एक्सपेंसेस कितने, सेल कितनी, एसेट्स कितनी, तो ये सब अकाउंटिंग के थ्रू ही पता चलता है. सेकंड, रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड. अकाउंटिंग का ये भी रोल है कि ये हमारे लिए सारा प्रीवियस रिकॉर्ड एट अ ग्लैंस प्रेजेंट करता है. सारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है. क्रोनोलॉजिकल का मतलब डेट वाइज. सपोज़ आज ईयर एंड है मार्च और
हमने प्रीवियस मंथ्स में जानना है कि कितनी कितनी सेल हुई, तो हम अप्रैल की सेल, मई की सेल, जून की, ऐसे डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल चेक कर सकते हैं। सारा रिकॉर्ड सिस्टमैटिक मैनर में रूल वाइज अकाउंटिंग हमारे लिए प्रेजेंट करती रहती हैं। थर्ड पॉइंट, रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट। बिजनेस में प्रॉफिट को जानना बहुत ज़रूरी है, और एक अकाउंटिंग पीरियड जो कि जनरली 12 मंथ्स का होता है, उसके एंड में हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बना के ट्रू प्रॉफिट या लॉस अंडरस्टैंड कर सकते हैं अकाउंटिंग के थ्रू, और बैलेंस शीट बना के हम फाइनेंशियल पोजीशन जान सकते हैं, एसेट जितनी ज़्यादा हो, लायबिलिटी जितनी कम हो और कैपिटल जितनी ज़्यादा हो उतना ही अच्छा होता है। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग हमारे लिए सारी यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके देती है, जिसको हम अलग अलग यूज़र्स या इंटरेस्टेड पार्टीज़ तक पहुंचाते हैं, और जिसके बेस पर सभी डे टू डे ऑपरेशन या वर्क परफॉर्म करते हैं और डिसीज़न लेते हैं। रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, अकाउंटिंग इज़ रिगार्डेड एज अ सर्विस एक्टिविटी बिकॉज इट प्रोवाइड्स क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विच इज़ हेल्पफुल टू द यूज़र्स इन डिफरेंट वे। तो अकाउंट्स हमारे लिए सारी इन्फॉर्मेशन देकर हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प का काम करते हैं, हमें टाइम टू टाइम असिस्ट करते रहते हैं, तो ये सर्विस प्रोवाइडर का काम करते हैं। तो आज का टॉपिक इतना ही है, इसको अच्छे से आपने लर्न करना है और प्रैक्टिस कॉपी में लिखना भी है। थैंक यू। वो ही मैंने पेज आगे नहीं किया ना।